शाहजहाँपुर के सुजालपुर निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है जिसमें उसने अपील की है कि वहाँ पिछले 15 दिन से बीमार हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही है एवं सूखी खांसी भी है, लेकिन उस व्यक्ति का इलाज सिविल अस्पताल में सुजालपुर के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना ही उसकी जाँच की जा रही है। उक्त व्यक्ति ने अपना नाम राहुल बामनिया बताया है। व्यक्ति ने अपने वीडियो में कहा है कि वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में कई बार जा चुका हूँ, जहाँ से उसको वहाँ के गार्ड के द्वारा भगा दिया गया है। एवं उसने सुजालपुर सिविल अस्पताल पर भी आरोप लगाया है कि सिविल अस्पताल में कोरोना महामारी के चलते भी जो संदिग्ध मरीज है उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सुजालपुर SDOP एवं पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि वहाँ की पुलिस भी उक्त युवक की बात नहीं सुन रही है, अब ऐसे में जांच नहीं करवा रही है। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई है कि जांच हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं राहुल बामनिया, आपके सामने सुजालपुर से। मैं भी पिछले 2 घंटे से सुबह से यहां मार्केट में निकला था। क्यों निकला था? टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से बीमार हूँ। पिछले 15 दिन से बीमार होने के कारण मैंने 12 तारीख के दिन सरकारी हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था, जिससे मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था जो कि नॉर्मल आया था। उसके बाद में अभी 2 दिन से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि वोमिटिंग आना और ये पसली वगैरह दर्द करना, सर्दी भी काफ़ी बढ़ गई है। आप मेरी आवाज़ सुन के जान सकते हैं, बहुत भारीपन आवाज़ में आ रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है और सूखी खांसी कंटिन्यू 15 दिन से मेरे को चल रही है। मैं भी सुबह निकला था सिविल हॉस्पिटल सिटी में मैं गया था, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट जो एक सफाई कर्मचारी होता है उसने गेट पर से ही बोला मुझे कि आज हॉस्पिटल बंद है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर्स कहीं मिलेंगे, उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर्स नहीं है। मैं अंदर जाके सर्च करा, वहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं थे। ताला लगा हुआ है सुजालपुर के सिविल हॉस्पिटल में, जो कि मतलब इस टाइम में सुजालपुर के हॉस्पिटल हैं उनकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको खुला रखना चाहिए और इस समय में उन्होंने बंद करके रखा है। वो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बंद कर रखा है, लेकिन हमने उसके बाद में इधर आए मंडी तरफ, मंडी सिविल हॉस्पिटल मंडी में गए हम यहाँ पे हॉस्पिटल में, ये भी उन्होंने बंद कर रखा था। वहाँ पर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने क्लियर बोला आप यहाँ से चले जाइए, कोई जाँच वाँच नहीं होगी। ठीक है, हम डायरेक्ट गए थाने पर, सुजालपुर के थाने पर हम गए। वहाँ पर पहुंचे, पुलिस वाले बोलते हैं SDM से जाके मिलो। यहाँ सुजालपुर के SDM साहब के पास हम 3 राउंड जा चुके हैं, सुजालपुर के SDM साहब कहीं मिलते हैं नहीं है। हाँ, हम रोड पर कम से कम 10 राउंड लगा चुके हैं सुजालपुर से मंडी से लेकर सिटी तक और सिटी से लेकर मंडी तक, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, मेरे को टेस्ट करवाना है क्योंकि मुझे लग रहा है, इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा है, ना मुझे कोई किसी को कुछ बोलने में मजा आ रहा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं, 15 दिन से बीमार हूँ, सूखी खांसी चल रही है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बुखार भी आ रही है। अब इस सुजालपुर सरकार को आप क्या कहेंगे, और मोदी जी, शिवराज सिंह जी, आपसे विनती है आप इसको जरा देखिए सरकारी में। धन्यवाद। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।